आपको भाई साहब कैसा प्रत्याशी चाहिए? ये हमको क्या चाहिए, ये अपना जो है रोड सड़क बनाए, विकास बनाए, जो बनेगा वही अपना जीतेगा, जो जीतो अपना बनाओ, अपना काम करो, बस उससे कुछ नहीं है। आइए चाचा, आपको कब से आप यहाँ पे हैं? हमको 50-60 साल हो गया। 50-60 साल हो गया, अभी तक सब आपको ठगा। हाँ, किसी ने कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। इस बार आप लोगों को कैसा प्रत्याशी चाहिए, काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए या ठगने वाला? नहीं, काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए और ठगने वाला आप नहीं चाहिए। तो इस बार आप ठगने वाले को मुंह तोड़ जवाब दें जी। आप नौजवान है, युवा है, आप लोग देश की भविष्य है, आप बताइए आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? हमको ऐसा चाहिए कि सबको घर द्वार होना चाहिए, पर हम अपना लिए हमें सोचते हैं, हम सबको लिए सोचते हैं, ठीक है, पूरे समाज को मिलना चाहिए, समाज इतना सबको लिए सोचते हैं। बिना के मतलब हम खा जाएंगे पैसा, हमको 10-10 हजार 5 हजार देगा, हम मतलब हट जाएंगे खा पी को, ऐसा नहीं, हमको सबके लिए चाहिए, सबको लिए चाहिए। बताइए पानी आप लोग को पीने के लिए मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। यहाँ पे शौचालय बना है, जो सामुदायिक शौचालय है वो नहीं है, वो भी नहीं मिला, नहीं है। घर में जो घर घर में मिलता है शौचालय, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। इंदिरा आवास, इंदिरा आवास अभी तक कुछ ही को नहीं मिला, कुछ लीजिए यहाँ पे पूरा एरिया में किसी को मिला होगा तो हमको सामने बोलिए। पहले इंदिरा आवास था, अब जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में आ गया है, यहाँ पे कुछ नहीं देता है, नहीं देता है, जो जीतता है वही अपना अपना जमीन भर लेता है, रख लेता है, पर हम लोग कुछ लेता है, भैया बोलता है भैया प्रणाम करते हैं, हमको वोट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, सबको देते हैं, बाद में हम ही लोग को जो है मतलब फला चिला करके हटा साठ मारता है, हम लोग उसको पाए पकड़ेंगे ना, एक बार पाप करते हैं दोबारा चाहता है हमको पाप करने, एक बार तो वो भी हमको पाप करता है, उसको हम उसको जाते पाप करने। कुछ महिला से भी बात करेंगे और महिलाएं से पूछेंगे इनको कैसा प्रत्याशी चाहिए। आप लोग भागिए मत, भाग जाइएगा तो सब दिन भागते रहिएगा, भागिए मत, इधर आइए। हमारा देश जहाँ आजादी का 75वां साल मनाता है, उसी जगह एक ऐसा भी बस्ती है जहाँ पे आज तक देखिए मिट्टी का घर है, जो कि अब लोग शौक से रखता है, ये देखिए, ये देखिए, दिखाते हैं, देखिए, ये आपको पता होगा, ये आजादी का 75वां साल का गिफ्ट है, समझिए, देख रहे हैं, यही प्रत्याशी सब है, यहाँ आते हैं और इनको ठगते, और इनको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया, लेकिन देख लीजिए घर भी आज किस स्थिति में है, नगर पंचायत का दर्जा तो दे दिया लेकिन आज तक इनको कोई सुख सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है जी। अहाँ कुछ बोलबे सुनियो, ककरो दबाव में नहीं आब, ककरो सिखायल पर नहीं बोलब, आज तक अहाँ कते दिन से एक गाँव में रहे छे? कते दिन से रहे छे? 10 साल से रहे छे, 10-25 साल से। 10 साल में आज तक अहाँ के की मिलल हन? घर मिलैये हमरा, अखने घर मिलैये, नहीं राशन मिले, कुछ नहीं दिए, राशनो नहीं मिलैये, राशन मिलैये, बुझलिये, घर नहीं मिलल, घर नहीं मिले, शौचालय नहीं, कुछ पिए के पानी मिलैये, कुछ नहीं मिलैये, नहीं कोई बेर अहाँ सबके केहन प्रत्याशी चाहिए? कौन चाहिए जे मांगबे हमारे से चाहिए, और की चाहिए, घर मांगबे, काम करके क्षेत्र में विकास होने चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ की महिलाएं जो है इनका भी एक ही मांग है, हमको प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो काम करे, क्योंकि इनको काफी ठगा गया है यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद आपको नहीं लगेगा जी ये नगर पंचायत में आना चाहिए, क्योंकि काफी दूर है और यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज आज तक नहीं हुआ, ठीक है, आ गई नगर पंचायत में, खुशी की बात है, अच्छा बात है, लेकिन हमारे समाज को जब तक नगर पंचायत का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन सुख सुविधा भी जरूरी है, और इसके लिए हम आग्रह करेंगे हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो जीत के जाएंगे, उनके लिए बोल रहे हैं, जो आप लोग इस बार ठगिएगा नहीं, अगर ठगिएगा तो जनता आपको इस बार ऐसा ठग देगा जो आप भी याद कीजिएगा।